कर रहे और फिर आप भाजपा में रहे। आधार का डीएनए इन्होंने तय कर दिया है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, डीएनए कहीं भी जा सकता। अभी तो सरकार बदली ही है, अभी अभी विधान परिषद के नए सभापति ने पद ग्रहण किया था और उसी दिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी में गर्मा गर्म बहस हो गई। आप हमारे दल में फिर डर रहे और फिर आप भाजपा में रहे तो आपको हर जगह लगा था, आपका दल कहां से हो गया। दरअसल जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने विधान परिषद में कहा कि समाजवादी एक साल से ज्यादा दूर और एक साल से ज्यादा साथ साथ नहीं रह सकते। गुलाम गौस की इसी बात का जिक्र संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी मजाक के लहजे में कर रहे थे, तभी तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर तंज कस दिया कि आप तो कई पार्टियों में घूम कर आए हैं, जिसका जवाब सम्राट चौधरी ने बड़े ही तल्ख लहजे में दिया। आप हमारे दल में फिर डर रहे और फिर आप भाजपा में रहे तो माननीय सदस्य, आपको हर जगह था, आपका दल कहां से हो गया। ये कोई राजतंत्र नहीं है भाई, जेडी में थे ना, राजतंत्र नहीं है। आप जदयू में गए ना, पता तो भाजपा में गए। अरे आप इसी कौन से आधार है, आप ना बताइए। इसी आठ बार सदस्य है तो ये तो कैरेक्टर है तुम्हारा। आधार का डीएनए इन्होंने तय कर दिया है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, डीएनए कहीं भी जा सकता। बीजेपी ने विधानसभा में विजय सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष और विधान परिषद में सम्राट चौधरी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। दोनों ही काफी मुखर माने जाते हैं। बिहार विधान परिषद का गर्मा गर्म माहौल बताने के लिए काफी है कि सरकार ने जितनी आसानी से विधानसभा में बहुमत साबित कर लिया, आगे आने वाला समय उतना आसान नहीं दिख रहा। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।